कार्तिक आर्यन के करियर और साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक चंदू चैंपियन का ट्रेलर आ गया है। इसे उन्होंने अपने होम टाउन ग्वालियर में लॉन्च किया है। ट्रेलर साल 1967 में खुलता है। एक व्यक्ति उधमपुर के आर्मी हॉस्पिटल में लेटा है, घायल है। बताया जाता है कि 2 साल से कोमा में है। 1965 की जंग में उसे 9 गोलियां लगी थीं। उसके बाद उस वॉर के सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें स्टेलोन की रैम्बो की तर्ज पर वो किसी गैर यकीनी या फिल्मी हीरो की तरह लंबी सी मशीन गन लेकर आसमान में दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर फायर करता जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस किरदार के बचपन में एक महाराष्ट्रीयन ग्रामीण परिवेश में वो कुश्ती में चैंपियन बनने की हसरत पाले है, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये अदना सा लड़का ऐसा कर लेगा। गांव के बच्चे और लोग उस पर हंसते हैं और चंदू चैंपियन बोलकर उसे चिढ़ाते हैं। इसके बाद कहानी दिखलाती है कि इस बच्चे के साथ क्या होता है, क्या वो चैंपियन बन जाता है और क्या। इस कहानी की खास बात यही है कि आगे बहुत कुछ होता है, इतना कुछ जो हमने इंदिरा द टाइगर जैसी फिल्मों में ही देखा है। खूब सारा फ्लैशबैक और खूब सारे उतार चढ़ाव, या फिर ब्लैक की माफिव लीड कैरेक्टर के सामने आती बेपनाह चुनौतियाँ, जिन्हें देखते देखते दर्शक की सांस फूलने लगे। ये जो इतना कुछ है, इसी ने डायरेक्टर कबीर खान को ये प्रोजेक्ट लेने पर विवश किया है, क्योंकि कबीर इससे पहले बजरंगी भाईजान और 83 जैसी सफल फिल्में बना चुके हैं। तो इस अगले प्रोजेक्ट की स्टोरी भी उन्हें बाध्य करने वाली रही होगी। चंदू चैंपियन का ट्रेलर 3 मिनट 15 सेकंड का है। ये एक असल प्रेरक व्यक्ति, एक पैरालंपिक की कहानी है। इसे देखते हुए ट्रेलर रियलिज्म और मेथड से परे कमर्शियल स्पेस में रचा वसा लगता है। माने उसे मनोरंजक और मसालेदार बनाने की कोशिश की गई है। हर कमर्शियल और बड़ी बायोपिक बड़ी आर्म फोर्सेस पर बेस्ड मूवी में जो ट्रोप या तय चीजें आप देखते ही देखते हैं, वो यहाँ भी हैं। फ्रेम भी वैसा ही है। वो ऑथेंटिक होने से ज्यादा विशाल आकार के हैं जो बुनियादी दर्शकों को मजा दे सकते हैं। फिल्म अपनी सिनेमेटोग्राफी में, प्रोडक्शन डिजाइन में, डायलॉग्स में, कलर पैलेट में कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश नहीं करती। कुछ छोटी छोटी चूके भी दिखती हैं, जैसे चंदू के पात्र को ले जिसे कार्तिक ने प्ले किया है। पूरे ट्रेलर में कई जगह पर आप देखकर बता सकते हैं कि कहां कहां बाल और दाढ़ी नकली है, जिससे पार पाया जा सकता था। ट्रेलर का हाई पॉइंट कार्तिक का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो इम्प्रेस करता है क्योंकि वहां आप भरोसा करते हैं कि ये कोई कहानी नहीं, कुछ रियल में हो रहा है। उसकी देह एक बॉक्सर की देह बन रही है। उनके भागने दौड़ने एक्शन वाले सारे सीन ध्यान खींचते हैं। अगर कार्तिक के अभिनय को लें तो उसमें कहीं कहीं वो प्रयास करते दिखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुछ उल्लेखनीय नहीं मिलता। विजय राज जो शायद चंदू के कोच बनते हैं, उनके साथ एक सीन है जिसमें चंदू एक इवेंट में हिस्सा लेने विदेश जा रहा है और फ्लाइट से डर रहा है। इसमें विजय राज उसे लताड़ते हैं, फिर प्लेन टेक ऑफ करता है तो चंदू मुंह फाड़कर चीखता है। ये सब हंसाने वाले सीन होने थे, लेकिन हंसी नहीं आती। ट्रेलर में राजपाल यादव भी हैं, लेकिन उनके छोर से भी कोई कॉमेडी नहीं देखने को मिली। सत्यप्रेम की कथा और भूल भुलैया 2 के कार्तिक से इस फिल्म का कार्तिक खास अलग नहीं है। इसके लिए कुछ उनके पुराने एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी जिम्मेदार है, कुछ डायरेक्टर का दोष। जब कुछ भी काम ना करे तो एक मैसेज हो जो काम कर जाए, इसी आस में मेकर्स एक कॉज या सरोकार भी फिल्म में डाल देते हैं। वो है कि कोई भी इंसान या कमजोर से कमजोर इंसान अपना सपना पूरा कर सकता है। ट्रेलर के अंत में एक लाइन है जहां कार्तिक इमोशनल होकर शायद शराब पीकर कहते हैं, मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। ये फिल्म जिन मशहूर हस्ती की बायोपिक है, वो है मुरलीकांत पेटकर। सांगली महाराष्ट्र से आने वाले पेटकर भारतीय सेना में थे। 1965 के युद्ध में कई गोलियां खाई, कोमा में रहे, फिर होश में आए, जो किसी चमत्कार से कम ना था। लेकिन एक हाथ से डिसेबल हो जाने के चलते वो बॉक्सिंग का अपना खेल जारी ना रख सके, तो हार कर नहीं बैठे, दूसरे गेम्स खेलने लगे, स्विमिंग, जैवलिन थ्रो, टेबल टेनिस वगैरह। बाद में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। जर्मनी में 1972 में हुए समर पैरालंपिक्स में स्विमिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भारत के लिए पैरा खेलों में गोल्ड जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। बाद में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला। अगर फिल्म की रिलीज की बात करें तो ये 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में उतरेगी। इसमें फर्जी फेम भुवन अरोड़ा, यशपाल शर्मा, विजय राज और राजपाल यादव भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। चंदू चैंपियन को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। मैं हूं अंजलि, कैमरे के पीछे है मेरे साथी आलोक। शुक्रिया।